Hello students, today we are going to talk about vocabulary related to feelings and moods. And more so, we will be discussing our emotional and physical state of being. यानी हमें इमोशनली कैसा लगता है और हम फिजिकली कैसा फील करते हैं उसके लिए हम इंग्लिश में कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं और हम उसका मीनिंग गुजराती और हिंदी में समझेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट वन इज हैप्पी. हैप्पी को कहते हैं खुश हिंदी और गुजराती दोनों में. सैड यानि दुखी. एंग्री यानि गुजराती में गुस्से और हिंदी में गुस्सा होना. फ्यूरियस गुजराती में अति आवेश वाड़ू हिंदी में आग बबूला होना. जेलस गुजराती में अदेखाई करवी अथवा अदेखू फील करवू और हिंदी में जलन महसूस करना. कंफ्यूज्ड गुजराती में मूझवण हिंदी में अस्पष्ट. अफ्रेड और फियरफुल गुजराती में घबराइलू हिंदी में डरा हुआ. पैनिकी मीन्स द सेम गुजराती में घबराइलू और हिंदी में डरा हुआ. कॉन्फिडेंट गुजराती में आत्मविश्वास वाड़ू हिंदी में आत्मविश्वासू. प्राउड के दो मीनिंग होते हैं. अगर हम उसे पॉजिटिवली देखें तो गर्विष्ठ और अगर हम उसे नेगेटिवली देखें तो अभिमानी. सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित गुजराती में और हिंदी में आश्चर्य हो जाना. फ्लैबरगास्टेड गुजराती में स्तब्ध थई जाऊ एंड हिंदी में स्तंभित हो जाना. स्पेलबाउंड और स्पीचलेस गुजराती और हिंदी में निशब्द ऐसा फील करना कि बोलने के लिए कोई शब्द ही ना होना. बोर्ड गुजराती में कंटाड़ेलू हिंदी में उबा हुआ. रेस्टलेस और इम्पल्सिव गुजराती और हिंदी में चंचल और चंचल. शाय गुजराती में शर्मावू हिंदी में लज्जित होना. ब्लू निराश इन गुजराती एंड हिंदी. येलो गुजराती में फिक्कू अथवा तो बीमार और हिंदी में फीका या तो बीमार. रेड अति आवेश वाड़ू और हिंदी में आग बबूला. सो इफ समबडी सेज आई एम फीलिंग रेड इट मीन्स मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है. इफ समबडी सेज आई एम फीलिंग येलो इट मीन्स मैं बीमार फील कर रहा हूँ. फीलिंग सिक. पिंक स्वस्थ गुजराती और हिंदी में. सो अगर कोई कहता है आई एम पिंक इट मीन्स मैं स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ. लोनली गुजराती में एकलता हिंदी में अकेलापन. लो गुजराती में निराश हिंदी में भी दुखी या तो निराश. डिप्रेस्ड अत्यंत मायूस या फिर बेहद मायूस. टायर्ड थाकेलू गुजराती में और हिंदी में थका हुआ. वी वन कुड बी इमोशनली और फिजिकली टायर्ड बोथ वेज. अशेम्ड और एम्बेरेस्ड शर्मजनक गुजराती में और हिंदी में शर्मिंदा होना. गिल्टी गुजराती में दोषित महसूस करवू अने हिंदी में अपराधी महसूस करना अपने आप को अपराधी फील करना आत्मग्लानी होना. पेशेंट गुजराती में धीरज वाड़ू और हिंदी में धैर्यवान. परटर्ब्ड और वी कैन ऑल्सो से डिस्टर्ब्ड गुजराती में व्याकुल और हिंदी में व्याकुल. नर्वस और एंग्शियस गुजराती में घबराइलू हिंदी में बेचैन. चीयरफुल गे और जॉली गुजराती में खुश मिजाजी हिंदी में आनंदी. क्रैंकी गुजराती में चिड़ाइलू और हिंदी में चिड़चिड़ा खास करके बच्चे क्रैंकी होते हैं. लेजी गुजराती में आड़सू हिंदी में आलसू. स्लगिश गुजराती में निष्क्रिय और हिंदी में सुस्त. फ्लैटर्ड खुशामत थी खुश खुशामत से खुश हो जाना तो फ्लैटर्ड फील करना. इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित फील करना. डिजेक्टेड तरछुड़ाइलू महसूस करूं अथवा खिन्न किया हुआ. डाउटफुल और स्केप्टिकल शंकाशील या फिर संदिग्ध. नॉस्टैल्जिक भूतकाल ना कोई पण समय नी झंखना करवी दुखी थऊ कि मने फरीथी ए समय में जाऊं छे बीते वक्त की याद आना और दुखी हो जाना कि मुझे वापस उस समय में जाना है. यानी आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक अबाउट माय स्कूल लाइफ इट मींस हम अपनी स्कूल लाइफ को मिस कर रहे हैं और वापस वहां जाना चाहते हैं.
इंस्पायर्ड प्रेरित, मोटिवेटेड प्रेरित, कंपैशनेट करुणानु अनुभव करुणामय इन हिंदी, कंटेंट और सैटिस्फाइड संतुष्ट, एक्साइटेड उत्तेजित, elated अत्यंत खुश या फिर बेहद खुश, like very happy, instead of that you can use elated, frustrated अत्यंत कंटाड़ेलू बेहद उबा हुआ, tensed और anxious चिंतातुर. So my dear students, thanks a lot for listening to me. Subscribe to my channel. If you want to look at more such videos related to vocabularies, follow my Instagram page with the name Best Styles and English Academy. Thank you very much.